इतना सामान ले आए हैं दोस्तों, पैसा बचा ही नहीं, और इन सब का फोटो भी लग रहा था। फोटो दिखाओ। एक का फोटो इतना, तो एक एक फोटो तीन है, मैंने देखिए। भी गरम मसाला सब मिक्स कर दी हूँ, तो पीस लेते हैं मसाला को। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। यहाँ दाल चावल रख दी हूँ पकने के लिए, दाल चावल अभी पकेगा और बच्चे स्कूल जाना है बच्चों को। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हुआ, पॉलीथीन लगा था, ये ऊपर लगा दिए हैं पन्नी, पता नहीं कैसे फट गया, क्या हुआ। देखिए पानी सारा घर में, अंदर बाहर सब आ गया है, और बहुत पानी इधर साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी, वहीं कोने बचा है कि पानी नहीं गया। तो गुंजन वहाँ आटा सान रही है, गूंथ रही है, दो रोटी तीन बनाना है। बच्चे रोटी बिल्कुल नहीं खाते, चावल ही खाते हैं। चावल धो रहे हैं, यहाँ पर मैं चारा बांध रही हूँ, तो अंजलि बकरियों के लिए चारा बांध रही है। तो जितने लोग हैं, जितना जगह काम में लगे हैं सब, और जल्दी इसलिए इस टाइम काम है कि स्कूल जा रहे हैं, लेट हो जाएगा। तो यहाँ चाय बनाते हैं, इधर दाल हमारा पक रहा है, तब तक इसमें चावल डाल देती हूँ। तो हमारा दाल भी पक गया, चावल भी पक गया है, रोटी यहाँ पर बना रही हूँ। पहले बताइए, यहाँ पानी इतना आ गया है कि बैठने का जगह नहीं है। हमारे यहाँ आज 6 दिन से निकल ही नहीं रहा है धूप अच्छे से, थोड़ा सा निकलता है बाकी बारिश होने लगता है। चावल बिल्कुल पक गया है। तो यहाँ पर खाना बना के सबको दे दी हूँ, सब खा रहे हैं। अभी स्कूल चले जाएंगे सब लोग, और अभी हमारा उधर चाय पक रहा है, तो इन सब के लिए चाय नहीं बना रही हूँ, और ये सब खाना खा कर जाएंगे अपना। खाना कैसा बना है अंजलि? अच्छा। तो तकत यहाँ बीच में आ गया, तो आधा कमरा एडजस्ट हो जाता है तकत के वजह से। और रोज उठाना रोज धरना, ये वजन है। हमारी कई बहनें बोलती हैं, संगीता ताकत सामान व्यवस्थित करके रखो, तो रखते हैं, बच्चे हैं आप समझ सकते हैं, इधर उधर बिखरा देते हैं, फिर समेटते हैं, तो यही हाल है। तो कितने बजे का स्कूल है चंदन? 9 सुबह से नमस्ते। तो खाना खा रहे हैं अभी, निकल जाए, बुला रही हैं सीतल खाने के। हाँ खा लीजिए आप सब। तो चंदन चले गए स्कूल, और शीतल गुंजन अभी हैं, अंजलि नहीं जा रही हैं, इनको 3 दिन से बुखार है। तो स्कूल तो एक दिन भेजे थे, वहाँ से सर जी वापस लाकर बैठा कर जाते हैं घर पे, तो बोले 2-3 दिन रेस्ट करने दो, अभी मत भेजो। तो हम सब चाय पी रहे हैं, सब लोग खाना खा चुके हैं। तो गिलास गिलास में जलता है चाय, इसीलिए कटोरी में पीना पड़ता, गिलास में हम पी ही नहीं पाते। तो शीतल तो स्कूल जा रही है, गुंजा चंदन सब चले गए। तो वैसे अंजलि मेरे साथ है, और शाम को आएंगे, फिर बीच में वीडियो बनाएंगे दोस्त। तो सब लोग स्कूल से आ गए हैं, यहाँ पर खाना सब लोग खा चुके हैं। वैसे तो बदली छाई हुई है, साड़ी पहनी हूँ बनारसी वाला जो भैया दिए थे। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से, और अभी यहाँ चंदन भी साथ में चलेंगे, और शीतल गुंजन घर पे रहना, ड्रेस चेंज कर लो गुंजन। सब खरीद लिए हैं, दाल लेने गए थे, तो हम सब चौराहे पे आए थे और सामान ले चुके हैं। वहाँ का वीडियो नहीं बनाई, यहीं पे बना रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ से।
तो हम सामान ले आए हैं चौराहे से, गए थे वहाँ पर और यहाँ बर्तन धुल के धुआ के गई थी, रख के वहीं पे पड़ा हुआ था। सब लोग यहाँ पे हैं, करो दिख रहा, दिखाओ। तो यहाँ पर रखते हैं। अंजलि कहाँ गई घूमने? आ जाओ अंजलि। तो सब्जी दाल बिल्कुल खत्म था, गई चौराहे से ले आई मिर्ची, सूखी मिर्ची सब निकालते हैं। तो सारा सामान निकाल ली हूँ जितना लाई हूँ, नदी से दिखा दो। आज तो काला पन्नी में एक भी सामान नहीं है। 1 किलो आलू ले ली हूँ और ये 100 ग्राम 10 रुपए का मिर्चा, ये सूखा 10 रुपए का। यहाँ पर 1 किलो अरहर का दाल, 1/2 किलो टमाटर, टमाटर हमारे यहाँ 15 रुपए का 1/2 किलो मिलता है। चना 30 रुपए का और ये बंडा अरवी का सब्जी, यही लाई शाम के खाने में बनाएंगे। तो इतना सामान ले आए हैं दोस्तों, पैसा बचा ही नहीं। और इन सब का फोटो भी लग रहा था, फोटो दिखाओ कौन लिया है। लाओ चंदन। तो इन सब का आईडी कार्ड बन रहा है और पानी पी मुंह में लगा है। तो आईडी कार्ड बन रहा था तो फोटो निकलवाना पड़ा, तो गुंजन का निकलवाई हूँ। 3 फोटो सबका। ये गुंजन का है, इधर ये चंदन का है, इसी में मिल गया है, सब अपना अपना छांट बीन कर लेंगे। और ये शीतल का है, एक एक फ़ोटो दिखा रही हूँ। सबसे पीछे अंजलि का निकला, ये इतना सब, ये चारों बहन भाई का फ़ोटो इतना। तो एक एक फ़ोटो 3 है, देखिए कुछ इस तरह। तो बच्चों का फ़ोटो बनवा ली हूँ और पैसा एडजस्ट हो गया। सब्जी दाल लाना ज़रूरी था, तो 10-20 रुपए का खाने का कोई सब्जी ही आ जाएगा सोची मैं, इसीलिए नहीं लाई। अभी खाना बनेगा, सब लोग खाएंगे, है ना गुंजन शीतल? हाँ। तो बच्चे भी समझते हैं परेशानी। तो यहाँ पर फोटो को रख देते हैं। इतना सामान ले आई, अब हमारा सब्जी ये करीब 4-5 दिन तो चली जाएगा, आलू टमाटर दाल सब मिलाकर। अब सिर्फ आटा चावल लेना बाकी रह गया, अब की बार राशन भी नहीं मिल रहा है टाइम से। तो दोस्तों आज बड़े दिन के बाद टमाटर आलू का सब्जी बनने जा रहा है, तो पीसा वाला मसाला थोड़ा रखे हैं, तो आज साबुत मसाला पीस के बनाएंगे सब्जी। सभी बोले अच्छा बनना चाहिए मम्मी। तो यहाँ पर धनिया ले ली, गरम मसाला सब मिक्स कर दी हूँ, धनिया को भी पीसेंगे, मिर्ची तो लहसुन और प्याज आधा मसाला पीस चुकी हूँ। तो पीस लेते हैं मसाला को। टमाटर का बहुत अच्छा सब्जी बना है। तो अंजलि खा चुकी है, शीतल और गुंजन खा रही हैं, हम भी खा रहे हैं। सब्जी बहुत अच्छा बना था, क्योंकि चंदन मोबाइल का टॉर्च जलाए होंगे, आँख में चमक आता होगा। अजीब तरह दिखेगा वीडियो में, दिख रहा है चंदन? देखो है ना, आंखें अजीब दिख रहा होगा, टॉर्च जलाए हैं। तो यहाँ चंदन पहले खाना खाने बैठे थे और हम सब बाद में बैठे। तो हम सब खाना खा चुके हैं, अब चलते हैं बिस्तर लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, सोते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कमेंट आया, तो सभी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।